नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, जो लोग भी अपने CUET PG फिजिक्स 22 के लिए तैयारी करने वाले हैं, हम आप सभी के लिए इस वीडियो में आपके इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं कि आप अपने एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और ये जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो कैसे कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत करनी है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या गलतियों से आपको बचना है, क्या क्या आपका तरीका होना चाहिए अपने एग्जाम को और बढ़िया से प्रिपेयर करने का। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा जिससे कि हम सारी चीजों के साथ अच्छे से बात कर सके, अच्छे से अपने सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस कर सके। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं पहले अपने पॉइंट की तरफ। सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है गाइस, अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास गेट फेमिलियर विद CUET फिजिक्स सिलेबस। ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए बात करते हैं कि अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, तो एग्जाम की तैयारी करने से पहले हमें अपने सिलेबस के बारे में काफी नॉलेज होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि आपका जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट हैं, उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, हम इस सिलेबस के माध्यम से ये भी डिस्कस कर पाएंगे कि मान लीजिए अगर आपका कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में क्या क्या चीजें आपकी पूछी जाती हैं, क्या क्या नहीं पूछी जाती हैं, किन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको कि ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जो कि हम सिलेबस को देखते टाइम, सिलेबस को एनालाइज करते टाइम ये जान पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि सिलेबस को बिना देखे तुरंत तैयारी में लग जाते हैं, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, आपको सिलेबस देखना है, सिलेबस देखेंगे सारे टॉपिक्स क्या क्या हैं, उसमें से आपको क्या आता है, आपको क्या नहीं आता है, कौन सी चीज आपकी स्ट्रांग है, कौन सी चीज आपकी वीक है, किसके आप क्वेश्चंस जान सकते हो, किसके आप क्वेश्चंस नहीं कर पाते हो। ठीक है ना, कौन कौन सी चीजें हैं जिनके फॉर्मूलाज आपको आते हैं, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मान लीजिए बात करते हैं, तो जो भी आपने पीछे देखा कि हमारा सिलेबस हो गया, हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं, हमारे जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम जान लेंगे। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एकदम शुरू हो जाती है। अब यहां से आप अपने एक एक टॉपिक को शुरू कर देते हैं तैयार करना। अब ऐसा है कि मान लीजिए आप अपने एक एक टॉपिक को शुरू करते हैं, तो उस टॉपिक को प्रिपेयर करते टाइम आप जैसे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना जिनका डेरिवेशन का जो रिजल्ट होता है, जो सॉल्यूशन आपको लास्ट में मिल रहा होता है, जो आप प्रूव यहां लिख देते हो, वो आपका जो रिजल्ट होता है बहुत आपके डायरेक्टली क्वेश्चंस में मिलता है, तो उस तरीके के भी आपको डेरिवेशंस करने हैं जो कि आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में मिल जाएंगे। फिर ऐसे भी कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिसमें कि उनका जो फॉर्मूला होता है वो इंपॉर्टेंट है, उसमें कौन कौन से ऐसे सिंबल्स आपके यूज होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कौन कौन से यूनिट, कौन कौन से डायमेंशन, ये सारी चीजें भी आपके पास इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो ये सारे जो बेसिक चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट, आपका जो भी उनसे रिलेटेड डेरिवेशन हो जाते हैं और वो जो भी आपका रिजल्ट आया है वो कहां कहां पे अप्लाई हो सकता है, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हमें अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना है। ठीक है, ऐसे कुछ भी हम नहीं पढ़ने लगेंगे, ये जो भी टॉपिक्स हैं उनको बढ़िया से कॉन्सेप्ट उसका पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर उनका रिविजन करेंगे, इस तरीके से आपके पास चलता रहना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। उसके बाद जो भी हम मान लीजिए टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे, जो मैंने बोला आपको कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप जो भी पढ़ते जाएंगे, जो भी हम टॉपिक्स कवर करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तो जो आपका रिजल्ट आपके पास आया था डेरिवेशन के बाद, जो आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, उसका नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। ये नोट्स बनाना बहुत लोग जरूरी नहीं समझते, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, हमारे पास जब नोट्स रहते हैं ना, शॉर्ट नोट जब ज्यादा रहते हैं, तो वो लास्ट टाइम में, जैसे कि आपका एग्जाम मान लीजिए परसों है, तो आप आज पूरा सिलेबस आप नहीं पढ़ सकते हैं। आपके पास जो नोट्स रहते हैं वो कम टाइम में वही रिविजन करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो इसीलिए इस टाइप की चीजों को थोड़ा सा सीरियसली ले लेना पड़ेगा, हमें शॉर्ट नोट पे फोकस करना पड़ेगा, इसको बनाना जरूरी है, ये आपके लिए कंपलसरी है अपने एग्जाम में कम टाइम के रिवीजन के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ये गलती आप मत करिएगा गाइस। उसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए सारी चीजें आपने देख लिया, मैंने बोला कि भाई आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेना है, यूनिट देख लेना है, डायमेंशन देख लेना है, रिजल्ट आपके जो भी डेरिवेशन के वो देख लेने हैं, उनपे एप्लीकेशन देख लेने हैं। अब आपने शॉर्ट नोट्स भी बना लिया, रिवीजन भी करते रहे हैं। ठीक है, अपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन पे भी फोकस करना शुरू कर दिया। अब आपने ये भी देख लिया है कि भाई आपका कौन सी चीजें स्ट्रांग है, कौन सी चीज वीक है, तो स्ट्रांग चीजों को थोड़ा सा एक दो बार पढ़ के छोड़ दिया, और रिवीजन चलता रहना चाहिए वैसे, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस हमें अपने वीक पॉइंट पे करने हैं, जो वीक टॉपिक्स हैं जिनमें आप बहुत कमजोर हैं, जिनके क्वेश्चंस आप नहीं बना पा रहे, तो वो चीजें पहले आपको करनी है, जिससे कि आपका जो लेवल होगा थोड़ा सा बराबर आ जाए, मतलब हर एक चीज अब आपको आने लगे।
अब क्या करना है हमें अब मॉक टेस्ट के लिए थोड़ा सा अपियर होना शुरू करना पड़ेगा गाइस। ठीक है, मॉक टेस्ट इसलिए हम शुरू करेंगे क्योंकि इसमें एक थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट आपका शुरू हो जाता है। आप ये देख पाते हो कि सही में जो आपका एक एग्जाम का जो प्रेशर होता है, जब आपके पास ऐसे सीबीटी वाला मेथड आएगा तब आप किस तरीके से वहां पे हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जाम में प्रेशर को झेलने के लिए। तो इसीलिए थोड़ा सा जब भी आप मॉक टेस्ट को अपियर करें, आप देख सकते हैं एनटीए की वेबसाइट पे भी आपको ये सब मिल जाती है, आपके जो भी मॉक टेस्ट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही आपके पास ये पेपर आएगा, आप थोड़ा सा एग्जाम के हिसाब से जो आपकी वहां पे मेंटालिटी होती है उसको आप घर पे भी थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि मतलब मॉक टेस्ट वो घर पे अटेम्प्ट करते हैं तो मतलब वो सॉल्यूशंस भी साथ में लेके बैठते हैं, मतलब बुक्स भी साथ में लेके बैठते हैं, बहुत लोग ऐसे करते हैं। मतलब सबकी बात नहीं कर रहा मैं, सीरियसली मत लीजिएगा। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं मतलब ये समझते हैं कि चलो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मैं ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट में नंबर ला सकूं। देखो यहां पर तो आप ला सकते हो, यहां पर तुरंत गलती करोगे तुरंत सही कर लोगे, तुरंत सॉल्यूशन देख लोगे ला दोगे, लेकिन वहां पर आप ये नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा हमें इस पॉइंट पर फोकस करना जरूरी है। और जब भी आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें, आप ये देखिए कि मान लीजिए कोई चीज आपसे नहीं हो रही तो उसको आप नोट डाउन करिए, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके नहीं हो पा रहे हैं, कहां पे आपकी प्रॉब्लम हो रही थी, कहां पे आप फंस रहे थे, उसको बाद में उस पॉइंट पे थोड़ा सा और वहां पे स्टडी करिए कौन कौन से पॉइंट थे जहां पे आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो उन पॉइंट पे जाना है, फिर से पढ़ाई करनी है, फिर से ट्राई करना है कि अब आपका क्वेश्चन काहे नहीं होगा यार। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने जो मॉक टेस्ट होते हैं उनकी जो प्रिपरेशन है उसके साथ आप बढ़िया से कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट एक तरीके से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्राई करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप मॉक टेस्ट को अपियर करें, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज को आप अटेम्प्ट करें, जिससे कि बहुत बढ़िया होगा आपके एग्जाम के प्रेशर को हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस आपकी जरूर होनी चाहिए गाइस। उसके बाद जो भी आप टॉपिक्स कर रहे हो वो आप देखिए, जो भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो वो आपके कितने टाइम ले रहे हैं। जैसे कि कोई बड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत लोग होते हैं 5 से 10 मिनट उसी में वेस्ट कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मान लीजिए 1 मिनट टाइम दिया आपने, 2 मिनट टाइम दिया, नहीं अब दूसरे पे चलिए। ठीक है, जो जितना जल्दी आपका हो सके उस पे जल्दी से आप उसको जाइए सॉल्व करिए, उसको टिक लगाइए और खत्म करिए। अब उसके बाद लास्ट में जो आपके पास बचता है, जो आपके नहीं आ रहे थे, मतलब आप हो सकता है कि लास्ट में उसको थोड़ा सा टाइम दे के कर सकते हैं, तो वो बाद में आपको करना है, पहले से ही आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि जैसे स्टार्टिंग में सब टाइम देने लगते हैं और लास्ट जैसे ही आता है वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब कि बहुत वो होने लगती है, घबराहट होने लगती है। अगर आपने मान लीजिए 3 घंटे का पेपर है, 20 क्वेश्चन आपने शुरू में एकदम मतलब 10-10 मिनट टाइम देना शुरू कर दिया, मान लीजिए एक तरह से बात कर रहा हूं 5 मिनट 7 मिनट ऐसे आप टाइम देना शुरू कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या लगता है आप वहां तक मतलब आपका पेपर जब खत्म होने वाला होगा उस टाइम तक भी आपका मतलब 20 क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व हुए रहेंगे। तो ये बहुत लोग ऐसा करते हैं, ये गलती होती है आपकी। तो आपको करना क्या है कि मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको हम ट्राई करेंगे कि 1 से 2 मिनट टाइम दे, अगर नहीं आ रहा है मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तुरंत दूसरे क्वेश्चन पर जाना है, उसको देखेंगे भाई फॉर्मूला है ये चीज हमने पुट करी, ये सारी चीज अगर नहीं हो पाती है तो तुरंत अगले पे चलेंगे। तो जो पहले आ रहा है वो पहले करना और जो नहीं आ रहा है वो बाद में करेंगे, और नहीं आ रहा है तो मतलब छोड़ ही देना है, ऐसे नहीं कि बस गलत सही कुछ भी कर देना, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी इंपॉर्टेंट होती है, तो जो भी आपने किया भी होगा वो सब भी आपका चला जाएगा। तो इसीलिए ज्यादा गलती करने की कोशिश मत करना, जो गलत है उसको छोड़ दीजिए एकदम, उसको अटेम्प्ट ही मत करिए। ठीक है, जैसे आपने ट्राई करा अपने रफ वर्क पे तो उस पर आप देख लीजिए आप सही से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा, अगर आपका मैच नहीं हो रहा तो रहने दीजिए उसको। ठीक है, आपके मार्क्स कटवाने की जरूरत नहीं है वहां पे। तो हमारे लिए ना टाइम मैनेजमेंट स्किल भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान रखिएगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें गाइस, अगर आपको समझ में आई तो देख लीजिए क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है। हमारे पास सबसे शॉर्टकट में यही है कि आपको फिजिक्स का जो भी सिलेबस है अपना, वो एग्जाम का सिलेबस पता होना चाहिए। आपको पूरा पूरा स्टडी प्लान बढ़िया से डिजाइन करना है कि क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी है, क्या नहीं पढ़ना है, जो भी पढ़ना है किस तरीके से पढ़ना है, किस चीज़ पे फोकस करना है, किस चीज़ पे कम फोकस करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, आप किसी भी सब्जेक्ट को 2 घंटा टाइम देंगे कि 3 घंटा टाइम देंगे, ये थोड़ा सा मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आपसे मिलते हैं एक नए लेक्चर में। ठीक है, बाय बाय।